एंड वेलकम टू दीपमाला एंटरटेनमेंट। वेल फ्रेंड्स, एक बार फिर पारस नज़र आए हैं शहनाज के बारे में बातें करते हुए, काफ़ी सारी बातें करते हुए, काफ़ी कुछ बताते हुए और कुछ आरोप लगाते हुए, एलिगेशंस भी लगाते हुए। हम आपको बताएंगे कि एलिगेशंस क्या हैं और क्या बातें कही उन्होंने शहनाज के बारे में। लेकिन इससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसी ही अपडेटेड न्यूज़ मिलती रहे। सबसे पहले, अभी अभी लेटेस्ट पारस ने दिया है एक इंटरव्यू, जिस इंटरव्यू में शहनाज के बारे में वो करते हुए आए हैं बातें नज़र। जी हाँ, शहनाज के बारे में बातें करते हुए नज़र आए हैं पारस छाबड़ा। पारस छाबड़ा ने क्या कहा शहनाज के बारे में? सबसे पहले उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि शहनाज की और मेरी कोई भी दुश्मनी नहीं है, कोई भी ग्रेजेस नहीं है, सिर्फ हम बात करने वाले मोड में नहीं हैं। और जब से मुझसे शादी करोगे शो ख़त्म हुआ है, तो हम दोनों बातें नहीं करते, आपस में हमारी कोई बात नहीं होती। जी हाँ, उसके अलावा पारस ने एक और बड़ी बात कही। पारस ने कहा कि जब बिग बॉस शो चालू हुआ था, या जब हम बिग बॉस शो में थे, तो कुछ समय तक मुझे ऐसा लगा था कि शहनाज मेरी साइड हैं या हमारी तरफ हैं। लेकिन फिर वो सिद्धार्थ के साथ चली गई, उनका जो भी चीज़ें थी, जो कनेक्शन था, वो सिद्धार्थ के साथ बन गया और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी इस चीज़ से। हालांकि हमें ऐसा लगता है कि ये सब बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर चलिए ठीक है। इससे आगे बढ़ते हुए पारस ने ये भी कह दिया कि मुझे शहनाज से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमेशा से मुझे एक प्रॉब्लम रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि पारस को शुरू से लगता आया है कि ये जो शो बंद हुआ है, मुझसे शादी करोगे, वो शहनाज के कारण हुआ है। अगर शहनाज थोड़ा भी एफर्ट डालती तो ये शो बंद होने की नौबत नहीं आती और ये शो नहीं बंद होता, ऐसा उन्हें लगता है और वो बार बार कहते भी आए हैं। हालांकि शहनाज का अपना पॉइंट ऑफ व्यू था कि वो झूठा प्रेम गेम नहीं खेल सकती, समझे आप, झूठा प्यार वाला गेम नहीं खेल सकती, किसी को झूठी फीलिंग्स के चक्कर में नहीं फंसा सकती। उनका दिल सिद्धार्थ के साथ है तो वो सिद्धार्थ के साथ ही रहेगा और वो नाटक नहीं कर सकती शो के कारण। और वो बार बार कंटिन्यूसली शो में जो है सिद्धार्थ का नाम लेती रही। तो वहीं एक बार फिर उन्होंने इस बात को दोहराया पारस ने कि शो उनके कारण बंद हुआ। दूसरी चीज़ फिर आगे बढ़ते हुए पारस ने जो कही वो ये थी कि शहनाज जो है, शहनाज के जो फैंस हैं, वो हमेशा मुझ पर और माहिरा पर अलग अलग तरह के आरोप लगाते रहते हैं, एलिगेशंस लगाते रहते हैं। उन्हें ये लगता है कि जो भी शहनाज की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, जैसा कि उनके पापा वाला केस अभी हुआ, तो वो रेप वाले एलिगेशंस हमने उनके पापा पर लगवाए। तो मैं आपको बता दूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट मैं शहनाज के फैंस के खिलाफ कंप्लेंट भी करना चाहता था। जी हाँ, मैं जाना चाहता था क्राइम ब्रांच में, लेकिन जब मैंने देखा कि कोरोना चल रहा है और पुलिस वाले भी इस चीज़ के कारण परेशान हैं, तब फिर मैं कंप्लेंट करने नहीं गया। और उससे बढ़कर उन्होंने कहा कि मेरे फैंस और शहनाज के फैंस आपस में लड़ते हैं, हमारा आपस में कोई ग्रज नहीं है। हालाँकि पारस इतना सब कुछ शहनाज के बारे में कह भी गए और साथ में बार बार ये भी कहते नज़र आए कि मेरे और शहनाज के बीच में कुछ भी ख़राब नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हमारा कोई भी झगड़ा नहीं है। हालांकि वो जो शहनाज हैं उनको बार बार ब्लेम करते भी नज़र आए। वो यहीं नहीं रुके, इससे बढ़कर उन्होंने कहा कि मुझे शहनाज की वो बात सबसे बुरी लगी जब उन्होंने MSK में लड़कियों से उनकी वर्जिनिटी के ऊपर सवाल पूछा। जी हाँ, पारस ने एक बार फिर यही बात की। हालांकि ये बात वो शो में भी कह चुके हैं, शो के बाहर भी कह चुके हैं, उसके बाद भी कह चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी वो यहीं नहीं रुके, उनका मन नहीं भरा। एक बार फिर उन्होंने इसी तरह की बात कही और ये फिर से दोहराया अपने इंटरव्यू में। एक बार फिर पारस बार बार ये कहकर कि शहनाज से उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर भी उनके बारे में इस तरह से बातें करते हुए नज़र आए। हालांकि हम आपको बता दें, हमारे चैनल पर एक वीडियो और अपलोडेड है इससे पहले का, आप जाकर चेक कर सकते हैं, जिसमें भी पारस ने शहनाज के बारे में काफ़ी कुछ कहा था। लेकिन शहनाज ने न तब जवाब दिया था, न अब जवाब दिया है। शहनाज
ऐसे किसी भी चीज़ के बारे में जवाब देना या किसी भी इंसान को जवाब देना उचित बिल्कुल नहीं समझती, और वो अपने चुप रहने में ही अपनी डिग्निटी समझती हैं और वो ऐसी किसी भी चीज़ का नहीं जवाब देती, और ना ही किसी के ऊपर बिग बॉस से निकलने के बाद आज तक उन्होंने लगाए हैं कोई भी एलिगेशंस, कोई भी सवाल खड़ा किया है या कुछ भी गलत कहा है। इस चीज़ के आप रिकॉर्ड्स उठा कर देख सकते हैं। खैर, ये थी हमारी आज की रिपोर्ट आप लोगों के लिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। टिल देन, बाय बाय।